एक तरफ नक्सली जंगलों में शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, वहीं डीआरजी के जवान जंगलों की खाक खा रहे हैं और नक्सलियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। नक्सली शहीदी सप्ताह के पहले दिन ही दंतेवाड़ा पुलिस को नक्सली कैंप तबाह कर चार नक्सलियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार नक्सली देवा, लखमा, भूजा और टोला जंगली के ट्रेडर के नक्सली हैं। कटकनियाड़ थाना क्षेत्र के चिकपाल जंगल पारक की पहाड़ियों में 30 से 40 नक्सली पहाड़ी पर कैंप लगा रखे थे। डीआरजी दंतेवाड़ा के जावाद जवानों ने लगातार बारिश के बीच में ही नक्सलियों के जंगल में बने कैंप पर धावा बोल दिया। एक घंटे तक दोनों तरफ से चली गोलीबारी में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली अपना कैंप छोड़ जंगलों का सहारा लेकर भाग निकले। सर्चिंग में दो एसी बम, एक बाइनाकुलर, एक टिफिन बम, दो वॉकी टॉकी, बिजली वायर, नक्सली वर्दी, मेडिकल किट, नक्सली साहित्य के साथ भारी मात्रा में रसद राशन जवानों ने बरामद कर नक्सलियों को खदेड़ने में अहम कामयाबी हासिल की। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने दावा किया है कि मुठभेड़ में चार नक्सली भी मारे गए हैं। यह मुठभेड़ स्थल से खून से लथपथ नक्सली अपने साथ निकाल ले गए। शहीदी सप्ताह के पहले ही दिन इस तरह की कामयाबी हाथ लगना हमारे लिए बड़ी सफलता है। अभी ऑपरेशन मानसून और भी जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ तेज किया जाएगा। दंतेवाड़ा एसपी ने भी दावा किया है कि अब मानसून सत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और बढ़ाया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भगत।